बाबा साहब उठिए ना। अरे अरे अरे, घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत, मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगी। मैं तो आपके लिए आईकूल लेके आई थी, आपकी आंखों में अगर डालेंगे ना तो बहुत आराम मिलेगा, ठंडी सी फीलिंग आएगी और स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आईकूल डाल लेते हैं। गुड नाइट बाबा साहब, स्वीट ड्रीम्स। अंकल, अंकल। अंकल कौन? जानवी बेटा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? आपसे जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आई हूँ। आपको क्या लगा मैं आपकी सेवा क्यों कर रही हूँ? आपको शायद नहीं पता, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे सपने वो सब हाई क्लास हैं। मैं आपकी इतनी सेवा इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लगा था कि आप मेरी अच्छाइयों का एहसान जरूर चुकाएंगे, उसके बदले में मुझे इनाम देंगे, पर आपने तो बस थैंक यू, आशीर्वाद और एक सिक्का देके बात ही खत्म कर दी। नहीं अंक, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक काम करिए, आदित्य सर को कहिए कि मुझे आपकी कंपनी का 10% प्रॉफिट शेयर दे दे। क्या क्या कह रही हो तुम? और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो इसी चाकू से मैं आदित्य सर को नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना, मेरी आदित्य को कुछ नहीं करना। आप ऐसा नहीं चाहते ना, तो जैसा मैं आपसे कह रही हूँ वैसा करिए। ये हमारा सीक्रेट है, किसी और से मत कहिएगा। हाँ ओके अंकल, अब आप सो जाइए। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते मनाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप?
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी